एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 को समझेंगे। सेक्शन 6 यानी कि आप जिसको पॉपुलरली जो रेस जेस्टा के नाम से जाना जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 6 जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एग्जामिनेशन में बार बार इस सेक्शन से क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीलिम्स में भी आए क्वेश्चन, मेन एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन आते हैं। आपको इस सेक्शन में बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन का जवाब भी आंसर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगर आप कहेंगे सेक्शन वाइज पढ़ के मैं मतलब समझ जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक आपको कोई अच्छे से समझाएगा नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, तब तक आप इस सेक्शन का सही से इस्तेमाल अपने एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग के टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 को बहुत ही बेसिक से लेके क्लियर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रुस्तम मूवी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक उसका इलस्ट्रेशन एग्जांपल निकाल के आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस सेक्शन से यानी कि धारा 6 से या रेस जेस्टा के प्रोविजन से, रेस जेस्टा के प्रिंसिपल से जो जजमेंट है, जो केस लॉज है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन टाइम में लिखना है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लोग फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज एविडेंस एक्ट पे लाने वाले हैं वन बाय वन करके, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस वीडियोज को देख सकें। चलिए आइए सेक्शन 6 को मैं स्टार्ट करता हूं। सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर मैं हिंदी में बोलूं कि धारा 6 क्या कहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही समव्यवहार के भाग होने के होने वाले तत्वों की सुसंगति हम लोग पढ़ेंगे। जो विवाद वाले तथ्य है उससे एक तथ्य, एक ट्रांजेक्शन जो है इस तरीके से कनेक्टेड है, चूंकि वो सेम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है लेकिन वो विवाद तथ्य नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, ना वो रेलिवेंट फैक्ट है, लेकिन चूंकि फैक्ट इशू ना होने के नाते या रेलिवेंट फैक्ट ना होने के नाते भी वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, ये सेक्शन 6 कहता है। मैं और इसको और सिंपल बना रहा हूं। देखिए भाई, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो चैप्टर आप 2 लेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो सेक्शन होता है सेक्शन 5 की अगर चैप्टर 2 की बात करूं तो उसमें क्या कहता है कि आप कोर्ट में एविडेंस आप उन्हीं फैक्ट को, एविडेंस आप सिर्फ 2 फैक्ट के ऊपर दे सकते हैं, एक तो फैक्ट इन इशू यानी कि विवाद तथ्य, एक सुसंगत तथ्य यानी कि रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर ही आप एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, इसके अलावा किसी के ऊपर नहीं दे सकते। तो फैक्ट इन इशू तो आपको पता है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, यानी कि अगर ए ने बी को मर्डर कर दिया, ए के ऊपर चार्ज लगा मर्डर करने का, तो भाई मर्डर अपने आप में एक फैक्ट इन इशू है। मेन मुद्दा यही है कि मर्डर किसने किया, तो इसके ऊपर आप एविडेंस लाएंगे, ऑब्वियसली बात है। दूसरी चीज रेलिवेंट फैक्ट, इससे संबंधित रेलिवेंट फैक्ट क्या है, यानी कि अगर ए उससे पहले बंदूक खरीदा था तो अपने आप में ए का बंदूक खरीदना मार्केट से मर्डर के 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट कहता है। ए का मोटिव होना, यानी कि ए की पहले कभी किसी से लड़ाई हुई हो, उसके पास मोटिव था, इंटेंशन था, उसका मोटिव होना ये अपने आप रेलिवेंट फैक्ट है। इस उस ए का मोटिव था या नहीं था इसके ऊपर भी एविडेंस ला सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि मोटिव अपने आप रेलिवेंट फैक्ट है। अलग अलग एविडेंस एक्ट में अलग अलग सेक्शन है इसके लिए, वो आगे की बात है, आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक बताया कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट हैं जिनके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हैं। उन्हीं में से सेक्शन 6 ये कहता है कि भाई देखिए, अगर मान लिया कि डायरेक्टली वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं भी है, चूंकि वो फैक्ट इन इशू डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर भी चूंकि फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, वो ये कहते हैं कि चूंकि एक ही तरीके से वो कनेक्टेड है इसीलिए उसके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट जो कहीं ना कहीं मेन मुद्दे से, फैक्ट इश्यू से रेलिवेंट कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, एक ही ट्रांजेक्शन के दरमियान हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि जब घटना हुआ है, इंसिडेंट हुआ, तो ड्यूरिंग द इंसिडेंट वो चीजें हुई हैं, वो स्टेटमेंट बोला गया है, या इंसिडेंट होने के पहले वो बोली गई चीजें, या इंसिडेंट होने के बाद, घटना घटित होने के बाद वो चीजें हुई है। तो इसके आगे, पीछे, दौरान, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना, जो कुछ भी हुआ है, जो भी स्टेटमेंट बोला गया है, वो अपने आप में रेलिवेंट होगा, चूंकि डायरेक्टली वो रेलिवेंट नहीं, लेकिन यहां पर रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट सुसंगत ना होते हुए भी वो सुसंगति है। तो इसको हम रेस जेस्टा का प्रोविजन कहते हैं, इसको हम सेक्शन 6 कहते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। मान लिया कि ए बी का मर्डर करता है, और मर्डर करने से पहले वो एक फुल्की की दुकान पर रुकता है, एक टिकिए की दुकान पर, ठेले की दुकान पर रुकता है, और ए
का एक फ्रेंड भी होता है बी, ए भी दोनों मिलकर मारते हैं बी, ए और सी मान लिया, ए और सी दोनों फ्रेंड है बी को मारते हैं। ए सी आपस में टिके की दुकान पे खड़े होकर बात करते हैं, छोड़ूंगा नहीं आज मार डालूंगा बंदूक रख के होना इस तरीके से मेरी बहन को छेड़ता है, इसकी इतनी मजाल इतनी हिम्मत, आज मिल जाएगा तो इतनी गोली मारूंगा ऐसे। मीन्स की ए सेइंग टू हिज फ्रेंड सी, ए और सी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो टिकिए वाला इस बात को सुन रहा है कैसे दोनों गुस्से में हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं किसी को, उतना उसको समझ में आएगा टिकिए वाले को दुकानदार वाले को किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, झगड़ा करने जा रहे हैं। उसके जब वो दुकान से हटे वो उसके 15 मिनट बाद ही ये आया कि भैया ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो आप ये बताइए कि देखिए फुल्के की दुकान को जो डिस्कशन किया जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा, उसको कहा जाएगा ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, जिसका रूल है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन का। देखिए ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि कितना पहले, बस इतना आपसे कहा जा रहा है कि कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, है ना, एक मतलब इंस्टेंट होना चाहिए, इतना गैप ना हो कि उसको चेंज किया जा सके, उसको अमेंड किया जा सके, उसको फैब्रिकेट किया जा सके, यानी कि ऐसा लगना चाहिए रहा कंटेम्पोरेनियस है और स्पॉन्टेनियस है, यानी कि कोई चीज पहले हुआ उसके तुरंत बाद मर्डर हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया तो माना जाएगा कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज नहीं। बहुत ज्यादा गैप हो गया, उसमें फैब्रिकेट होने के चांस हो गए हैं तो आप उसको रेलिवेंट नहीं बोलोगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। अच्छा मान लिया कि ए बी का मर्डर करते टाइम उसको मार रहा है, बी को मार रहा है, गोली मार रहा है, मेरी बहन को छोड़ दो मारूंगा भी तुझे, मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत बदतमीजी करता हूँ तुम्हें, ये है वो तुम्हारी बहन की तरह, ये सब बोला वो बका जो भी उसने गुस्से में करना था कर दिया, उसके बाद मर्डर हो गया। अब उस टाइम ड्यूरिंग द इंसिडेंट मैंने बोला था आपसे जो सेक्शन 6 गवर्न करता है वो पहले वाला भी गवर्न करता है, ड्यूरिंग द इंसिडेंट भी गवर्न करता है और इंसिडेंट होने के बाद भी वाला गवर्न करता है। ठीक, अब व्हाटएवर ए सेड एट द टाइम ऑफ किलिंग मिस्टर बी, वो जितना कुछ कहा है वो रेलेवेंसी उसकी होगी, वो कहा जाएगा ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, ये कहने कहीं रेस जेस्टा है। ठीक है, हालांकि बी ने ए की बहन को छेड़ा था ये मुद्दा नहीं है, ये फैक्ट इश्यू नहीं है, बट ये अपने आप में यहाँ रेलेवेंट हो गया, बी का ए की बहन को छेड़ना, ए की बहन के साथ अफेयर होना, ये अपने आप में ये फैक्ट इश्यू नहीं है ना रेलेवेंट फैक्ट है, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट ना होते हुए भी अपने आप में रेलेवेंट है, यही रेस जेस्टा है। भाई ए ने बी को मर्डर किया तो मुद्दा तो ये है ना कि ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, ये मुद्दा है। अब ये मुद्दा थोड़ी है कि बी का ए की बहन के साथ अफेयर था या नहीं था, ये फैक्टिंग इश्यू थोड़ी है, ये बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का जड़ थोड़ी है कोर्ट में, कोर्ट में तो ये प्रूव किया जाएगा ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, लेकिन बी का ए की बहन के साथ अफेयर था या नहीं था अपने आप में ये भी कहीं ना कहीं प्रूव किया जाएगा कोर्ट में, जस्ट टू एस्टैब्लिश ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, जस्ट टू एस्टैब्लिश कि ए के पास यहाँ पे मोटिव था। यहाँ पे और सेक्शन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, मोटिव वाला भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसी को पूरा रेस जेस्टा कहते हैं। अब रेस जेस्टा में एक और रूल है कि भाई सवाल आता है आपके दिमाग में, बच्चों के जहन में सवाल आ जाता है कि सर कितना पहले, मान लिया 6 महीने पहले उसी फुल्की की दुकान पे ए ने ये कहा था और 6 महीने बाद वो मर्डर किया बी का फुल्की की दुकान से कुछ दूर पहले, कुछ दूर बाद कुछ पास में, तो क्या उसका 6 महीने पहले कही हुई बात। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जब टाइम गैप हो जाता है, ऐसा कुछ एक्ट में तो स्पेसिफिकली बोला नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम गैप हो गया है तो उसकी रेलेवेंसी होती नहीं है बेसिकली, है ना, क्योंकि इसको चेंज, इसको मोल्ड, इसको फैब्रिकेट भी किया जा सकता है ना। लेकिन एक चीज जो कही गई है साफ साफ जो फोकस किया गया वो ये कहा गया कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, यानी कि अभी अभी गुस्सा है, अभी अभी बात कर रहा था, अभी गाली गलौज कर रहा था, 5 मिनट देखा उसका मर्डर हो गया, तब वो उसकी गाली दिया हुआ या उसका स्टेटमेंट, तब उसकी रेलेवेंसी होगी कुछ, है ना। रुस्तम की मूवी मैं इसलिए आपको बोल रहा था, रुस्तम में जब अक्षय कुमार जाता है उसको मारने गोली से, आई डोंट नो कि आप लोगों में से रुस्तम मूवी आपने कितने लोगों ने देखी, लेकिन जिन लोगों ने भी देखी है आप मेरी बात को समझोगे। रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार पिस्टल लेके जब होटल में जाता है या उसके घर या होटल रहता है, आई थिंक होटल रहता है, हाँ, जब उसके विलन के घर जाता है यानी कि जिसका भी अफेयर था अक्षय कुमार की बीवी के साथ, जब उसके पास जाता है तो नीचे रिसेप्शनिस्ट रहती है तो उससे पूछता है, बड़े आराम से पूछता है कि उसका नाम मुझे नहीं याद है उसके विलन का क्या नाम था, कि वो है, तो कहती है सर हाँ है, तो फिर उसको अक्षय कुमार उसकी सारी की तारीफ करता है हंस के मुस्कुरा के, बड़े ही मतलब ऐसा नहीं लगता अक्षय कुमार बड़े गुस्से में, ऐसा नहीं लगता कि या किसी को मारने जा रहा है, तो मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में पूछता है, उसके बाद ऊपर जाता है मार देता है। लेकिन जब ये मैटर कोर्ट में आता है तो कोर्ट में यही जो अपोजिट पार्टी होती है, प्रोसिक्यूशन जो पार्टी होती है, वो कहता है कि आप गए थे, आप इससे पूछे थे, और वो रिसेप्शनिस्ट को झूठ कहता है बोलने के लिए कि आप ऐसे ऐसे बोलो कि ये बहुत गुस्से में था उस दिन आया था, है ना। तो रिसेप्शनिस्ट ये कहती है कि हाँ मेरे पास आए थे बहुत गुस्से में थे, साहब को पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था बड़े गुस्से में, लड़ाई करने जा रहे, इस तरीके से रिसेप्शन कहती है, लेकिन वो फंस जाती है। फिर अक्षय कुमार उससे पूछता है कि आपकी तारीफ हमने की थी और आपकी बुराई मैंने की थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं आपने मेरी बुराई नहीं की थी, आपने मेरी तारीफ की थी। तो अक्षय कुमार उससे कहता है
या मैंने आपकी तारीफ की थी और मैं गुस्से में भी था, गुस्से में कोई आदमी होगा तो तारीफ कैसे करेगा, तो फंस जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोर्ट में रेलिवेंसी, देखो अब कोर्ट में वो मैटर क्यों लाया गया, कोर्ट में उस बात पे क्यों एविडेंस दिया गया, क्योंकि अक्षय कुमार अगर वहां तो खैर गुस्से में नहीं था, अक्षय कुमार ने प्री प्लान किया था, अच्छे से किया, लेकिन एक आम आदमी जाएगा अगर गुस्से में रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहता है कि कहाँ तुम्हारे साहब, कहाँ वो गुस्से में कुछ कहता है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी रेलिवेंस रखी जाएगी, ये इस बात पे भी एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, ये रेस जेस्टा है अपने आप में, इसके ऊपर भी आप एविडेंस ला सकते हो कोर्ट में। कोर्ट में आप कह सकते हो कि साहब ये रिसेप्शनिस्ट के पास गया था उस दिन, है ना, गुस्से में पूछा था, बड़े गुस्से में था, बड़े जल्दी में था, है ना, और ऊपर गया, फिर उसके बाद मर्डर हो गया सामने वाले को, तो इसका मतलब ये इन्वॉल्व था, तो इसके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हो कि इसने गुस्से में कहा था। कहीं ना कहीं गुस्से में कहना, 5 मिनट पहले रिसेप्शन से पूछना उस आदमी के बारे में जिसका मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं अपने आप में रेलिवेंट रखा होगा। और ये किस सेक्शन के तहत सुसंगत में होगा, ये धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टा के हिसाब से होगा। अब हम आइए तो जजमेंट केस के बारे में पढ़ते हैं। भैरों सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस है जो 2009 में आया था, इसको आप कोट कर सकते हो, आप वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में ये जजमेंट है उसको भी आप देख लेना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टा पॉपुलरली इसको कहा जाता है ना। अब हम आपको एक केस और लाइए बताएंगे। बेसिकली इसमें ये होता है कि हियर से एविडेंस आपने देखा होगा, हियर से का ये एविडेंस ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। हियर से एविडेंस आपने क्या देखा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हियर से एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बात नहीं मानी जाती है उसका कोई, यानी कि ए ने कुछ, कोई कुछ किसी ने सुना। अब मैंने आपको कहा कि टिक्की वाला या जो फुल्की वाला दुकानदार है वो कहेगा साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने मर्डर होते हुए तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो आप ये कह सकते थे, वो सोच सकते हो कि साहब सुनी सुनाई हियर से एविडेंस तो नहीं माना जाता। टिक्की वाला क्या आपने आंखों से मर्डर होते हुए देखा? नहीं देखा, उसने तो बस अपने दुकान पे उन दोनों को बात करते हुए देखा जो बहुत दोनों गुस्से में थे। अगर नॉर्मल देखें, हम जनरल लुक देखें, तो ये हियर से एविडेंस आ जाएगा, टिक्की की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने बस सुना था। लेकिन रेस जेस्टा कहता है नहीं, ये हियर से एविडेंस का अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये जो सेक्शन 6 है रेस जेस्टा का जो प्रोविजन होता है, ये सुनी सुनाई बातों का अपवाद है। इन केस अपवाद इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुनी सुनाई बातें भी मान ली जाती है, यानी कि टिक्की वाले की बात मानी जाएगी कोर्ट में बुला के, अगर वो ये ऐसा कह देता है कि मेरे दुकान के सामने दोनों ऐसे गुस्से में थे, बात कर रहे थे, मारने पीटने की बात कर रहे थे, तो उसकी बात कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाएगी, रेलिवेंसी होगी, है ना, सुसंगत होगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टा ऐसा कहता है। तो इस पे भी दो केस हम आपको देंगे कि जिसमें कहा गया कि भाई हियरसे का एक्सेप्शन है और कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, इतना टाइम गैप नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन के और इंसिडेंट के बीच में कि उसको फैब्रिकेट किया जा सके। तो ये किस किस केस में कहा गया था? एक तो आप जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 का केस है, उसको आप बोल सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि किसी भी स्टेटमेंट को आप कैसे तय करेंगे कि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, वो एक ही ट्रांजेक्शन है, कैसे आप तय करेंगे? तो इसमें यही कहा गया था कि ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए और इतना टाइम गैप नहीं होना चाहिए कि उसको फैब्रिकेट किया जा सके। दूसरा केस लॉ आप लिख सकते हैं जेंटेला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा केस लॉ, और 1996 का ये भी केस है, सेम बातें इसमें भी की गई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप। टेलीग्राम पे हम लोग अक्सर नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप जुडिशी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। सो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो में, आपको आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।